हेलो डैम वेलकम बैक अगेन आज हम बात करेंगे प्रिजर्व एंड रीसेट स्टेट आज का हमारा टॉपिक ये है ठीक है नॉर्मली जब हम रिएक्ट का कोई कंपोनेंट है ठीक है उसे हम जब रेंडर करते हैं बेसिकली हम रेंडर नहीं करते रिएक्ट जो है इस चीज़ को uh, ख़ुद से हैंडल करता है कि आपका कौन सा कॉम्पोनेंट जो, जो है वो रेंडर होना चाहिए और कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो रेंडर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर जो है रिएक्ट जो है अपने आप को हर बार अपडेट करता रहता है ठीक है कि आप आ, कौन से कॉम्पोनेंट्स को उसको रेंडर करना है सम्भाव जब आप चीज़ें चेंज करते हैं तो वो क्या करता है कि आपका आ, जो डेटा होता है बेसिकली जिसको उसको स्टेट नॉर्मली करते हैं स्टेट जो कि रिएक्ट ने टर्म लाया है तो जो डेटा होता है उस डेटा का प्रीवियस वर्जन भी जो है वो स्टोर कर करके कर रखता है और उसका नेक्स्ट वर्जन भी जो है वो स्टोर कर करके कर रखता है दोनों ही वर्जन जो है वो स्टोर कर करके कर रखता है और वो हमेशा उसको कंपेयर करता है और इस कंपेरिजन में वो चेक करता है कि क्या प्रीवियस वाला जो वर्जन है और अभी वाला जो वर्जन है इसमें दोनों में कोई चेंजेस है कि नहीं अगर चेंजेस है तो वो क्या करता है कि आपके कॉम्पोनेंट को यहाँ पर रेंडर करता है एल्स जो वो क्या करता है कि वो एज एट इज़ जो है उसको छोड़ देता है उसमें कोई भी चीज़ तरीके के चेंजेस को वो नहीं करता है लेकिन होता क्या है कि ये एक मतलब एक फ़ीचर है बेसिकली रिएक्ट के साथ ये अच्छा एक फ़ीचर है जिसको आप रिएक्ट uh, इस चीज़ को uh, मतलब ऑप्टिमाइजेशंस के लिए यूज़ करता है आपके एप्लीकेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से uh, ऑप्टिमाइज़ करता है ठीक है तो वो बाय द वे वो उसके साइड से ये चीज़ हैंडल कर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जो है प्रिजर्व वो कर रहा है लेकिन कई बार जो होता है, है कि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए होता है कई बार आपकी चीज़ें चेंजेस होती है चेंजेस के बाद से जो है आपको चाहिए होता है कि यार कुछ आ, मतलब वो आपका डेटा का जो है प्रिजर्व ना करे इसके अलावा जो है वो अपडेट हो जाए अगर आप कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल पर हम यहाँ पर एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बेसिकली हमने यहाँ पर एक ले रखा है और इस एप्लीकेशन में क्या है कि यहाँ पर हमारे तीन सीटीज़ हैं एक हमारे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पर एक और सीटी है जिससे जो है हम सेंड टू मेल जिसको हम कर रहे हैं ठीक है तो जैसे कि मैंने ये टाइलर से क्लिक किया यहाँ पर जो है एलियस किया और यहाँ पर बॉब किया ठीक है तो ये हमारे तीन जो है यहाँ पर सीटियज़ हैं बेसिकली तीन जो है पर्सनस हैं उसको जो हम यहाँ पर मेल जो है वो हमें भेजना है ठीक है तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद से मैं यहाँ पे हेलो और मैं यहाँ पे टाइलर जो है मैं लिख रहा हूँ ठीक है ठीक है यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज हो गया ठीक है नाव जब मैंने आ, यहाँ पे मैंने बॉब पे क्लिक किया तो अभी जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जब यहाँ पे सी तो चेंज कर दिया लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुआ बेसिकली वैल्यू uh, तो हमने यहाँ पे मैनुअल डाला बट आप एक्सपेक्ट uh, कर रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो चेंज होना चाहिए जो कि मतलब गलत एक्सपेक्टेशन है बट यहाँ पे चीज़ें जो है चेंज होनी चाहिए क्योंकि अभी क्या हुआ कि मैं जो है मैसेज जो भेजने वाला था वो टाइलर uh, को भेजने वाला था लेकिन मैंने सम्भाव जो है uh, मुझे याद आया कि नहीं मुझे तो बॉब को भेजना है ठीक है तो मैंने बॉब पे क्लिक कर दिया और मैंने इसको भेज दिया लेकिन यहाँ पर हमने जो है हमारा मैसेज जो है वो चेंज नहीं हुआ वो अपडेट नहीं हुआ ठीक है तो ये जो है प्रिजर्व करके वो रखा पड़ा है यहाँ पर आपका आपने जो है यहाँ पर स्टेट जो है यहाँ पर चेंज किया यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है जो कि हम यहाँ पर चैट को यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं लेकिन इस इनपुट बॉक्स जो इनपुट बॉक्स है उसमें वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको रॉन्ग साइड लेके जा रहा है ठीक है ये गलत प्रिटेंड हो सकता है कि आपने किसी को आपने एक मैसेज लिखा और मैसेज लिखने के बाद आपने गलती से जो है सेम मैसेज जो है किसी और को डिलीवर कर दिया तो इस टाइप्स के सीनेरियोज जो है कई बार आ, आते हैं आपके एप्लीकेशन में तो इसका ईजिएस्ट वे क्या है कि आप इसको कैसे बताएंगे रिएक्ट को कि अरे आ, हमने जो है यहाँ पे चीज़ें चेंज कर दी हैं लेकिन तुम जो है अभी तक इसको समझे नहीं हो तुमने अभी इसको ना प्रिजर्व करके रखा हुआ है तुमको पता नहीं चला कि हमें हमें जो है ये मेल जो है टाइलर को नहीं हमें बॉब को भेजना है ठीक है तो इसका ईजिएस्ट वे क्या है ईजिएस्ट वे जो है यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट पता होगा बेसिकली जो हम रिएक्ट में मोस्टली यूज़ करते हैं वो है हमारा की और की का मतलब नॉर्मली जब हम आइट्रेट करके कभी हम रेंडर uh, करते हैं जैसे कि यूएलएल आई है उसका लिस्ट जब हम रेंडर करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं हम की को यूज़ करते हैं ठीक है तो इससे उसको क्या पता चलता है कि जो जो हमने uh, जितने लिस्ट हमने रेंडर किए हैं उनका जो है रेफ्रेंसेज जो है उसके पास रहता है और इस और जब हम डिलीट और एडिट uh, करते हैं ऐड करते हैं उस केस में वो क्या करता है वो उस चीज़ को समझता है और उसको री re रेंडर करता है ठीक है और री re रेंडरिंग के भी केस में क्या करता है कि वो जिस जिस सेक्शन को सिर्फ रेंडर करना है सिर्फ उसी सेक्शन को पर्टिकुलर को रेंडर करता है ना कि पूरे होल लिस्ट को रेंडर करता है इसके बारे में हम पहले भी हमने डिस्कस कर लिया बट मैं यहां पे इसको दोबारा से आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली की का रोल क्या है सेम उसी चीज को जो है उस की को जो है हम यहां पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैं इसको की देता हूं और की देने के बाद से यहां पर जो है हम क्या करेंगे यहां पर टू डॉट मेल कर देंगे ठीक है तो टू डॉट मेल जो है मैं यहाँ पे इसको एक uh, जो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बेसिकली इसको अभी के लिए हटाते हैं और कंसोल करके देखते हैं uh, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको चीज़ों को समझना तो कंसोल डॉट लॉक करते हैं और यहाँ पर uh, सबसे पहले टू ठीक है टू को जो है मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ ठीक है तो और कंसोल करने के बाद से अब यहाँ पे चलिए कंसोल में हम चेक करते हैं बेसिकली वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टैलर पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए टैलर आ रहा है यहाँ पे बॉब पे क्लिक किया यहाँ पे बॉब आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो है हम टू टू का जो वैल्यू जो है वो हम इसको भेज रहे हैं ठीक है भाई तो ये एज ए प्रॉप्स भेज रहे हैं तो उसके पास वैल्यू जा रहा है लेकिन इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट को जो है आ, हम ये नहीं बता रहे हैं कि वैल्यू में चेंजेस हुआ है और रिएक्ट इसी बेस पे काम करता है कि उसको पता चलना चाहिए कि आपका वैल्यू चेंज हुआ है अगर आप उसको बताएंगे नहीं तो वो क्या करेगा कंप्लेट को रिडेंडर re नहीं करेगा तो ईजिएस्ट वे क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे की कर देंगे और की करके यहाँ पे हम की की वैल्यू जो है बेसिकली पास कर देंगे तो की की वैल्यू हम क्या क्या पास कर सकते हैं बेसिकली तो सबसे उसमें जो चेंजेस हैं वो है हमारा टू डॉट ई मेल ठीक है टू डॉट ई मेल जो है हम यहाँ पे पास कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं ना अब अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ हेलो टाइलर ठीक है हेलो टाइलर मैंने यहां पे लिख दिया ठीक है हेलो uh, टाइलर मैंने लिख दिया लेकिन अभी जो है हमने बॉब पे वो किया है लेकिन जैसे ही मैं इस पर टाइलर पे क्लिक करूंगा ये सेक्शन जो है ये यहाँ पे हमारा क्लीन हो रहा है अगेन यहां पर जो है मैं uh, बॉब पे आता हूं और मैं यहां पे लिखता हूँ हेलो बॉब ठीक है और मैं यहां पर जब मैं टाइलर पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा कि इस सेक्शन को क्लियर कर देगा और ये क्लियर कैसे किया क्यों किया क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखें तो की में जो हम यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं बेसिकली ठीक है ये की जो है एट्रीब्यूट है बेसिकली जो आपका कॉम्पोनेंट होता है उस कॉम्पोनेंट के साथ ये एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हैं ये रिजर्व की वर्ड है ठीक है इसको आप अपने प्रॉप्स के रूप में कभी यूज मत करिएगा बेटर ये जो है ये की है जो कि रिजर्व की कीवर्ड है इसका एट्रीब्यूट है और इस की इस एट्रीब्यूट के थ्रू जो है उसको पता चलता है वो कंपोनेंट को जो भी कंपोनेंट्स आप जो यहाँ पे आ, रेंडर कर रहे हैं उस कॉम्पोनेंट को यहाँ पे बताता है कि ये कॉम्पोनेंट जो है इसमें जो है चेंजेस होंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ है तो उसको री re रेंडर करो ठीक है तो इस तरीके से जो है आप आ, जो रिएक्ट एक्चुअली जो प्रिजर्व करके रख लेता है स्टेट्स को आ, रोक के रख लेता है कि अरे यार उसको तो पता ही नहीं चला ना यहाँ पर कि वैल्यू जो है चेंज हुआ लेकिन द वे वैल्यू चेंज हुआ और वो चेंज कहा हुआ इस कॉम्पोनेंट को लेकिन इस कॉम्पोनेंट को पता नहीं चला तो इसको बताने के लिए सबसे जो ईजिएस्ट वे है वो है आपका की और इसके थ्रू जो है आप अपने कॉम्पोनेंट को रिजेंडर re कर सकते हैं रेफरेंस के लिए मैं इस्टीज का यू आर एल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप जो है आ, उस यू पे पर्टिकुलर यू पे जाके आप एज ए रेफरेंस के लिए कोड को जो है रिव्यू कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट uh, वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाय बाय